नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 4 मार्च 2021 तारीख है और सुबह के 7 बजे हुए हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे। सभी लोग को आपको मैं बता दूं कि आपकी जो ये क्लासेस रहती हैं करंट अफेयर्स के, ये मेनली आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं। दोस्तों जून से और मई से जितने भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स अभी जनवरी से लेकर अभी तक की जरूर आएगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाई गई है, जो 1 जनवरी से हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट की थी, तो सभी लोग करंट अफेयर्स को मन लगा के पढ़ेंगे ताकि आगे चल के आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। तो दोस्तों सभी लोग क्लास में एक बार शेयर करेंगे और हम लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आज स्क्रीन पर लगा हुआ है, हाल ही में किस टीम ने आईएसएल लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शटलर ने युगांडा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन जो चैंपियनशिप जीती है, किसने जीती है। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके कौन सा नया नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में किस भारतीय सेना ने भाग लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु अलग फंड की व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 140 मिलियन साल पहले के डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है। तो दोस्तों आज के ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे और मन लगा के पढ़ाई करें। शेयर करना हमारे लिए आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है और आपके लिए रात रात भर बैठ कर मेहनत करना हमारी तरफ से डेडिकेशन होता है। तो अगर हम अपना डेडिकेशन करते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग भी क्लासेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आज हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे और सभी लोग सारे पॉइंट्स को नोट डाउन भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने आईएसएल लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आईएसएल यानी कि इंडियन सुपीरियर लीग जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है दोस्तों, इस फुटबॉल टूर्नामेंट में इस साल जो इसका फाइनल हुआ वो हुआ था GMC स्टेडियम जो कि गोवा में। तो GMC स्टेडियम में दोस्तों गोवा में अभी जो हाल ही में मैच हुआ उस मैच में मोहन बागान और मुंबई सिटी FC के बीच में मैच हुआ था। तो इस बार दोस्तों मुंबई सिटी FC जीती है। मुंबई सिटी FC का मतलब हुआ मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। और दोस्तों इन्होंने जो हराया है वो रनर रहे हैं मोहन बागान। दोस्तों अगर मोहन बागान की बात करें, अगर हम लोग मोहन बागान की बात करें तो मोहन बागान क्या है, इंडिया का सबसे पुराना या एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है जिसको मोहन बागान कहते हैं, जो कि कोलकाता बेस्ड था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज भी ये कोलकाता बेस्ड ही है और इसकी स्थापना 1889 में होती है। 1889 में इसकी स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की गई थी और मोहन बागान उस समय का एशिया का और इंडिया का सबसे पहला फुटबॉल क्लब था। और शुरुआत में दोस्तों ये एक एथलेटिक क्लब के रूप में आया, उसके बाद ये फुटबॉल क्लब बना। तो 1889 में इसकी स्थापना हुई और इस बार आपके मोहन बागान हार गए हैं और मुंबई सिटी FC क्या हो गई, जीत गई। तो दोस्तों ये आपकी शील्ड जीतने के साथ, जो ISL टूर्नामेंट की जो शील्ड है इसको जीतने के साथ AFC फुटबॉल चैंपियनशिप की जो लीग होती है, ध्यान रखिए दोस्तों AFC का मतलब हो गया एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप। तो AFC फुटबॉल चैंपियनशिप जो लीग होती है, इस लीग को दोस्तों स्टार्ट किया गया था 1967 में। जो AFC स्टार्ट हुआ था दोस्तों ये 1967 में शुरू हुआ था और AFC फुटबॉल चैंपियनशिप लीग के नाम से शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर साल जब AFC फुटबॉल चैंपियनशिप होती है तो इसमें दोस्तों हर साल 40 फुटबॉल क्लब आते हैं जो कि पूरे एशिया से होते हैं। इसमें टोटल 40 फुटबॉल क्लब टेक पार्ट करते हैं और
चूंकि आईएसएल को कौन जीता है, आईएसएल को मुंबई सिटी एफसी जीती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों एएफसी में मुंबई सिटी ने भी क्वालिफाई कर लिया है। तो मुंबई सिटी एफसी ने आईएसएल को जीतने की वजह से मुंबई सिटी एफसी ने एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप लीग में क्वालिफाई कर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वालिफायर में मुंबई सिटी भी क्या हुई है, शामिल हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय शटलर ने युगांडा अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, युगांडा अंतरराष्ट्रीय खिताब जो कि बैडमिंटन टूर्नामेंट था, तो ये अभी हाल ही में युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया। और दोस्तों जब ये कंपाला जो कि एक राजधानी है किसकी, युगांडा की, कंपाला में जो टूर्नामेंट के फाइनल हुए उसमें इंडियन ओरिजिन के ही आपके दोनों प्लेयर्स ने टेक पार्ट किया था, जिनमें मालविका बंसोड़ दोस्तों ये विमेन्स में जीती हैं, विमेन सिंगल्स में, और मैन सिंगल में वरुण कपूर जीते हैं, वरुण कपूर जीते हैं जो कि मेंस सिंगल्स में जीते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मेंस सिंगल और विमेन सिंगल दोनों ही खिलाड़ी यहां पर दिए हैं, तो यहां आंसर हो जाएगा बोथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों कंपाला में हुए मैच में जो आपके वरुण कपूर हैं, वरुण कपूर ने दोस्तों जिनको हराया है वो भी इंडियन ओरिजिन के ही है, जिनका नाम है दोस्तों शंकर मुथुस्वामी। ध्यान रखिएगा इंडियन ओरिजिन के ही रनर अप भी रहे हैं शंकर मुथुस्वामी, जो कि इस टूर्नामेंट में वरुण से दोस्तों क्या हुए हैं, हारे। और इसके बाद अगर हम लोग देखें मालविका का नाम जो कि महिला वर्ग में नंबर एक पर रही हैं, तो मालविका ने जो हराया है वो अनुपमा उपाध्याय को हराया है, अनुपमा उपाध्याय जो कि इस बार रनर अप रही हैं। तो यहां पर दोस्तों विनर और रनर जो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है उसमें रनर और विनर सभी इंडियन ओरिजिन के हैं, जिसमें विनर्स में वरुण कपूर, रनर्स में शंकर मुथुस्वामी, फीमेल्स में मालविका और फीमेल्स में रनर रही है अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों हर साल 3 मार्च को एक संगठन है दोस्तों जो कि एक फंड के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ध्यान रखिए दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है, इस फंड की स्थापना 1961 में की गई थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना दोस्तों 1961 में ग्लैंड में की गई, ग्लैंड चूंकि आपका स्विट्जरलैंड में है तो यह इसका मुख्यालय है। इसी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा हर साल 3 मार्च को डिक्लेयर किया जाता है दोस्तों, क्या 3 मार्च को डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उद्देश्य क्या होगा, सभी को पता है उद्देश्य क्या है कि विश्व भर में जितने भी वन्य जीव हैं और वन्य वनस्पतियां हैं उनका संरक्षण करना। तो 3 मार्च को हर साल वाइल्ड लाइफ स्पीसीज या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और इसके साथ साथ दोस्तों क्या जानवरों के साथ साथ वनस्पतियों का संरक्षण, तो इस उद्देश्य से दोस्तों हर साल क्या मनाया जाता है 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा जब भी कोई साल में कोई दिवस मनाया जाता है तो उसका कोई ना कोई एक विषय होता है। तो इस बार का 2021 का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो डे है इसका जो थीम था वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, यानी कि दोस्तों वन और आजीविका, सस्टेनेबल पीपल एंड प्लैनेट। इस तरीके से दोस्तों इस बार का क्या बनाया गया है, इस बार का थीम बनाया गया है जिसको हिंदी में हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये वन और आजीविका सतत लोक और ग्रह। तो इस तरीके से दोस्तों इस बार का थीम ये रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिक नाम इस योजना को शुरू किया है। ध्यान रखिए दोस्तों उत्तराखंड की गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री आपके त्रिवेणी सिंह रावत जी ने अभी हाल ही में घरों की पहचान चेलिक नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना की बात आपको दोस्तों बता दें, इसका नाम है, इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या है, बेटी का नाम ही घर की पहचान है। इस तरीके से बेटी का नाम ही घर की पहचान है। तो इस तरीके से दोस्तों हिंदी अर्थ इसका ये होता है,
और इस उद्देश्य से या इस नाम से जो योजना शुरू की गई है दोस्तों, वो त्रिवेणी सिंह रावत जी जो कि आपके मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। दोस्तों ये जो योजना शुरू हुई है, इस योजना की शुरुआत नैनीताल से की गई है, योजना की शुरुआत नैनीताल से की गई है। लेकिन दोस्तों ये योजना आगे फ्यूचर में पूरे उत्तराखंड में क्या की जाएगी, लागू की जाएगी। दोस्तों अगर हम लोग यहां बात करें कि इस योजना में है क्या, तो ध्यान रखिएगा इस योजना के तहत इसका मेन उद्देश्य है विमेन एम्पावरमेंट, जिसको हम बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। और इसके साथ साथ 32,000 जो विमेन ग्रुप्स है, जो महिलाओं के समूह है, उनको स्वरोजगार दिलाना ही इनका उद्देश्य है। तो 32,000 महिला समूहों को स्वरोजगार में बढ़ावा देना। इस तरीके से दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये स्वरोजगार का जो बढ़ावा देने की बात हो रही है, ये एक आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत ही किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों इस योजना में 42 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, और 42 करोड़ का निवेश करके स्वरोजगार की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड के सारी की फीमेल्स के लिए, जो कि आपकी 32,000 महिला समूहों में आने वाली जो फीमेल्स हैं उनको स्वरोजगार योजना में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसने सुगम्य भारत ऐप, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय मतलब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसके जो मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, इन्होंने इस एप्लीकेशन को दोस्तों क्या किया है, लॉन्च किया, जिसको क्या बोला गया है, सुगम्य भारत ऐप। ये सुगम्य भारत ऐप दोस्तों दिल्ली में लॉन्च किया गया है, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये जो ऐप है ये दिव्यांगजनों के लिए और बुजुर्गों के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों सुगम्य भारत ऐप के साथ साथ यहां पर एक एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट इस नाम से दोस्तों एक बुकलेट भी लॉन्च की गई है। द फोटो डाइजेस्ट, एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट के नाम से एक बुकलेट भी लॉन्च हुई है। ये जो बुकलेट है दोस्तों और जो एप्लीकेशन है, ये दोनों ही सामाजिक न्याय, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सशक्तिकरण, सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो आपकी बुकलेट है और ये जो आपका एप्लीकेशन है, इसको बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबलर्स, यानी कि आपके जो दिव्यांगजनों का जो सशक्तिकरण विभाग है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर द पीपल विथ क्या डिसेबिलिटी, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग ने इसको बनाया है, विभाग ने इसका क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये करेगा क्या, ध्यान रखिएगा ये आपके जितने भी दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजनों के साथ साथ ये जो बुजुर्ग हैं उन तक जितने भी आपकी जो एक्सेस संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो हर दिव्यांगजन और हर बुजुर्ग तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। तो ये दोस्तों सुगम्य भारत ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके कौन सा नाम दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बार नाम रखा गया है संसद टीवी। मैं आपको बता दूं, आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप लोग एप्लीकेशन भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एक एलएस टीवी आता है पीआईबी करके, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो करके एक एप्लीकेशन आता है। उस एप्लीकेशन दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा टीवी की जितनी भी सूचनाएं हैं, पूरे दिन भर की सूचनाएं बार बार उसमें घंटे दर घंटे में अपडेट होती है। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की जितनी भी जो प्रसारण की सूचनाएं हैं, जितना भी इनकी प्रसारण होता है पूरे दिन भर होता है, अब उसको दोस्तों क्या कर दिया गया, उसको मर्ज कर दिया गया। और दोस्तों अब ये मर्ज करके क्या बनाया गया है, ये मर्ज करके बनाई गई है संसद टीवी। तो ये जो संसद टीवी बनी है दोस्तों, अब एलएस टीवी आरएस टीवी इनके अंदर एक साथ आएगी और ये आपका 1 मार्च 2021 से प्रभावी हो गया है। तो
तो दोस्तों अब क्या होगा, अब जो भी न्यूज आएगी वो पार्लियामेंट्री टीवी के नाम से आएगी, वो एलएसटीवी या आरएसटीवी के नाम से नहीं आएगी, ठीक है। इस प्रकार की जो घोषणा थी दोस्तों, ये घोषणा लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों ने ही की थी, जिसमें आपके लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, ओम बिरला जी हैं, जो कि कोटा की सीट से लोकसभा के मेंबर हैं, और राज्यसभा के सभापति जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं वेंकैया नायडू ने इस बात की क्या की थी, घोषणा की थी, और इस बात की घोषणा करके अब एक जॉइंट आपका न्यूज बनाया जाएगा और एप्लीकेशन भी आएगा इसका संसद टीवी के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाल ही में एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में किस भारतीय सेना ने भाग लिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर किस भारतीय सेना यानी कि हमारी जो सेना है, सेना का कौन सा हिस्सा इसमें टेक पार्ट करने गया है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक्स डेजर्ट फ्लैग सिक्स नाम का दोस्तों एक एयरफोर्स एक्सरसाइज स्टार्ट की है। दोस्तों ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये दोस्तों शुरू हुई है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरात्स में, और दोस्तों यहां पर ये शुरू हुई है उसका नाम है अल धापरा जो एयरबेस है इसी एयरबेस पर दोस्तों क्या हो रही है, इस प्रकार की एक्सरसाइज हो रही है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, जिसको एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 के नाम से शुरू किया गया। फ्लैग 6 में दोस्तों क्या है, यूएई को हटा दे तो इसमें 6 अन्य देश भी शामिल हुए हैं, जिनमें हमारी इंडियन एयरफोर्स भी शामिल है, इसके साथ यूएई यानी कि अब सात देश होंगे यूएई, उसके साथ दोस्तों यूएसए, इसके साथ साथ फ्रांस की एयरफोर्स भी इसमें टेक पार्ट कर रही है, फ्रांस के साथ साथ दोस्तों बहरीन भी इसमें क्या कर रहा है, टेक पार्ट कर रहा है, और इसके साथ फ्रांस, बहरीन और इसके साथ साउथ कोरिया भी इसमें क्या कर रहा है, टेक पार्ट कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपके ये सारे देश क्या कर रहे हैं, ये सारे देश आपके एक्स डेजर्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, टेक पार्ट करेंगे। दोस्तों अगर यहां पर टेक पार्ट करने की बात की जाए तो यहां पर आपके IAF, UAE, USA, फ्रांस, बहरीन, साउथ कोरिया सभी की एयरफोर्स बेस जो है वो अपने अपने विमानों का यूज करेंगे, और सऊदी अरब भी इसमें क्या कर रहा है, टेक पार्ट कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स जिन विमानों को यूज कर रही है वो Sukhoi 30 MKI यूज किया जा रहा है, जो कि इंडिया का सबसे अत्याधुनिक फाइटर प्लेन है। इसके साथ दोस्तों C-17 प्लेन का यूज किया जा रहा है, और इसके साथ हमारे इंडियन एयरफोर्स एक IL-78 नाम का विमान भी यूज कर रही है। ये बहुत पॉपुलर विमान है दोस्तों, इनके बारे में बता दें तो ये रिफ्यूलिंग प्लेन है। ध्यान रखिएगा, इंडिया के पास एकमात्र एक ही रिफ्यूलिंग आपका एक प्लेन है, जो कि हवा में उड़ान के दौरान ही किसी भी विमान को रिफ्यूलिंग कर सकता है, यानी कि हवा में उड़ने के साथ ही ये रिफ्यूल कर सकता है। दोस्तों इसके साथ एक और खासियत है इसकी, IL-78 एकमात्र ऐसा विमान है जहां पर दोस्तों फाल्कन अवॉक्स नाम का एक रडार भी लगा हुआ है, और ये जो रडार है दोस्तों, ये दुनिया में सबसे पहले इस रडार को इज़राइल ने बेचा था इंडिया को। तो सबसे पहले ये रडार इज़राइल से निर्मित होकर भारत में ही आया था, और ये IL-78 पर ही सुसज्जित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा क्या, एक्स डेजर्ट फ्लैग 6, जिसमें यूएई को छोड़कर 6 अन्य देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु अलग फंड की व्यवस्था की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी द्वारा इस योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। दोस्तों ये जो फंड की बात की जा रही है, ये फंड केवल SC/ST के बच्चों के लिए है, और यहां पर SC/ST जो छात्रवृत्ति यानी कि जो स्कॉलरशिप है, उस स्कॉलरशिप के तहत बच्चों को फंडिंग के तहत दोस्तों 69 न्यू हॉस्टल्स खोले जा रहे हैं पूरे उड़ीसा में, और इसके साथ साथ दोस्तों एक माई हॉस्टल कार्ड भी शुरू किया जा रहा है। दोस्तों माई हॉस्टल कार्ड के तहत ये इस प्रकार का एक डेबिट कार्ड की तरह है कि इस कार्ड के तहत किसी भी बच्चे को हॉस्टल में रहने के साथ, खाने पीने के साथ, उसकी देखरेख, उसकी पढ़ाई व्यवस्था में उसको सहायता प्रदान की जाएगी माई हॉस्टल कार्ड से, उसे हर प्रकार की लीगलाइजेशन दिया जाएगा इस कार्ड से। तो
तो दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है ये केवल 50,000 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही दी जाएगी, जो कि सिलेक्शन प्रोसीजर से क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। तो ये दोस्तों जो योजना है ये योजना उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में हरियाणा की गवर्नमेंट ने अभी घोषणा की है कि हरियाणा में जितने भी 200 प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, जो कि सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनीज वहीं पर ही है कंपनीज है, इसके साथ जो प्राइवेट सोसाइटीज है और इसके साथ साथ जो प्राइवेट ट्रस्ट है जो कि हरियाणा में कार्य कर रहे हैं, इन सभी में 75% सीट्स जो है, 75% जो सीट्स हैं वो केवल और केवल किसके लिए होंगी, वो केवल और केवल हरियाणा के युवाओं के लिए होंगी, हरियाणा के यूथ को दी जाएंगी। तो इस तरीके से रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये दोस्तों उस समय हो रहा है जब हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं, जो किसान है, जनता है पंजाब हरियाणा राजस्थान की, वो प्रोटेस्ट कर रही है किसान बिल के विरोध में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बार को ये भी देखा गया है कि पंजाब की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में किसानों के पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करी, जो कि पहले नहीं हुई, इसी आंदोलन के दौरान हुई। और हरियाणा में इस प्रकार के आंदोलनों को रोकने के लिए जो 75% जो सीट का क्या किया जा रहा है, आपका आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उसी समय हो रहा है जिस समय वहां पर विवाद हो रहा है। तो दोस्तों ये आपका हरियाणा की गवर्नमेंट द्वारा की गई घोषणा है, जो कि वहां के हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी ने इसको क्या किया है, घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, हाल ही में किस देश ने 140 मिलियन साल पहले के डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अर्जेंटीना के दक्षिणी शहर जो है जिसको न्यू केन कहते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, अर्जेंटीना का एक शहर है जिसको बोलते हैं न्यू केन शहर में दोस्तों एक जंगली क्षेत्र है जिसका नाम है पैटागोनिया। ध्यान रखिएगा, पैटागोनिया क्या है दोस्तों, पैटागोनिया एक फॉरेस्ट्री क्षेत्र है जो कि माना जाता है दुनिया के सबसे प्राचीनतम जो डायनासोर थे जिन्हें टिटैनोसॉरस कहते हैं, टिटैनोसॉरस इस प्रकार के जंगल में ही पाए जाते थे। और दोस्तों यहीं पर डायनासोरस का अभी हाल ही में एक आधा कंकाल यहां पर प्राप्त हुआ है। तो इससे ये पता चला है कि अभी भी उनके जो साक्ष्य हैं, अभी भी जो उनके अवशेष हैं वो इस धरती पर हैं। दोस्तों माना जाता है कि ये जो टिटैनोसॉरस थे, ये जो डायनासोरस थे, इनमें जो टिटैनोसॉरस बोले गए, ये सबसे पुराने डायनासोर थे जो कि आपके पैटागोनिया फॉरेस्ट में पाए जाते थे। ठीक है, तो इन्हीं के एक जीव का आधा कंकाल मिला है आपका पैटागोनिया फॉरेस्ट में। दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो अभी हाल ही में इंडिया के मध्य प्रदेश के धार जिले में, किस जिले में, धार जिले में जब मांडू त्योहार मनाया गया था, तो मांडू त्योहार मनाए जाने के दौरान वहां पर दोस्तों फर्स्ट डायनासोरस एडवेंचर पार्क भी स्थापित किया गया था। और दोस्तों इसी एडवेंचर पार्क में एक डायनासोरस एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जिस म्यूजियम में दोस्तों डायनासोर के अंडे और जीवाश्म भी रखे गए। भारत का पहला डायनासोरस का जो म्यूजियम बनाया है वो कहां पर है, धार मांडू क्षेत्र में बनाया गया, धार जिले के मांडू क्षेत्र में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के क्वेश्चन है। कल हम लोग फिर से सुबह 7 बजे मिलेंगे करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए। हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास को खत्म करें ताकि आप अदर क्लासेस पर भी ध्यान दें और अपना समय बचा सके। दोस्तों आपके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। जैसे जैसे आप इसको प्रमोट करेंगे वैसे ही हम आपकी क्लासों को कई पार्ट्स में डिवाइड करके स्टेट वाइज एग्जाम्स के लिए अलग से करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।